हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का प्यू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। लास्ट वीडियो में मैंने निपल शील्ड के बारे में बताया था, उसके यूजेस बताए थे, वो कैसे यूज़ करना है, इसके फ़ायदे और कब कब यूज़ करना है, सारी चीज़ें बताई थी। पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, ब्रेस्ट पे कैसे लगाते हैं, वो इस बारे में भी बताओ। तो इसी टॉपिक पे आज का वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लास्ट वीडियो मेरा ज़रूर दिखिएगा, उस पे सारे इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है। और इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से ब्रेस्ट पे लगाते हैं। चलिए मैं एक ना डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बताऊंगी आपको। ये है ना पिजन का है ना निपल शील्ड है, इसके है ना नीचे से कुछ इस तरह से कर्व होता है जो है ना ब्रेस्ट के नीचे लगेगा, और जो यू शेप कट है ना वो ऊपर की तरफ लगेगा। आप देख सकते हो इसमें वैक्यूम नहीं क्रिएट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्प्रेड करना है, जिस तरह से मैंने स्प्रेड किया है ना उसी तरह से स्प्रेड करके निप्पल के ऊपर इसे अच्छी तरह से पोजीशन पे रखना है। फिर आप देखोगे कि है ना निप्पल पे लगाने के बाद नीचे से है ना उभार आ रहा है, देख सकते हैं नीचे से किस तरह से उभार आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो नीचे की तरफ का जो हिस्सा है ना वहाँ पर आपको थोड़ा सा पानी लगाना है और उसे है ना निप्पल के ऊपर फिर से लगाना है। इससे ये होगा कि ना वो अच्छी तरीके से निप्पल से अटैच हो जाएगा और आपको निकलने की जो समस्या होती है ना बार बार निप्पल पे से वो नहीं होगी। बस आपको यही करना है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करोगे तो आ ही जाएगा। अगर आप न्यूली मॉम हो, किस तरह से ब्रेस्ट फिट कराना चाहिए आपको नहीं मालूम, तो मैं आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको है ना एक अच्छी सी जगह पे बैठ जाना है, चाहे ज़मीन पे बैठे या फिर सोफ़ा पे बैठे या बेड पे बैठे, पर आपको टेका लगा के बैठना है। पीछे है ना कुछ पिलो रख लेना है, जिसकी वजह से आपका जो पीठ है वो अच्छी तरीके से स्ट्रेट पोजिशन में रहे। अगर आपके पास फीडिंग पिलो नहीं है तो आप नॉर्मल पिलो जो होता है वो ले सकते हैं। सबसे पहले गोदी में नॉर्मल पिलो ले, फिर उसके बाद अपने बच्चे को ले, उसके बाद ना निपल शील्ड लगाए, जिस तरह पे आपको घाव हो या फिर जिस जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर निपल शील्ड लगा दे। फिर आपको क्या करना है, निप्पल को थोड़ा सा 20 डिग्री झुकाना है और फिर बच्चे को फीड कराना है। 20 डिग्री झुकने से ये होगा कि जो दूध का फ्लो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अच्छे से बच्चे के मुंह में जाएगा और बच्चा जो है अच्छे से दूध पी पाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू और प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।